नमस्कार दोस्तों दोस्तों जो आज की जो वीडियो है मैं आपको डिप्लोमा के बारे में बताऊं कि आपको जब डिप्लोमा करते हैं तो आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, चाहे किचन से हो, चाहे बेकरी से हो, सर्विस, फ्रंट ऑफिस या किसी भी रिलेटेड से हो, कि आपको सीखने में डिप्लोमा में क्या क्या मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो डिप्लोमा होता है वो पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट का होता है, यानी कि आप चाहे फ्रंट ऑफिस के लिए कर सकते हैं या फिर सर्विस या फिर किचन बेकरी के लिए, तो ये अलग अलग डिप्लोमा बटे हुए रहते हैं जो कि एक साल का कोर्स होता है दोस्तों। अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स को क्लियर कर लेता हूँ फटाफट, जिससे कि आपको नॉलेज मिल जाएगी कि डिप्लोमा में होता क्या है। सबसे मेनली चीज़ ये होती है कि आपको ग्रूमिंग वेल करनी होती है, यानी कि आपकी हेयर कटिंग, सेविंग्स, आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पे ग्रूमिंग बताई जाएगी कि आपको किस तरह से होटल में प्रेजेंट होना है। और गर्ल्स के लिए भी सेम है दोस्तों, वहाँ पे भी हेयर स्टाइल्स और अपने सूट्स वगैरह और यूनिफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों ये थे जो मैं आपको बताया जो ग्रूमिंग से रिलेटेड थे। अब आपको बताऊंगा कि इसे पढ़ाते क्या क्या है। अगर आप बेकरी में जा रहे हैं तो आपको कन्फेक्शनरीज और बेकरीज के बारे में सारी नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि शुगर क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है, ब्रेड इम्प्रूवर, ऑयल, ईस्ट, मैदा, मिल्क पाउडर, ईस्ट के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी कि ये सब इंग्रेडिएंट होते क्या है और हम इससे किस किस चीज़ से क्या क्या बना सकते हैं। दोस्तों आपका एक अच्छा मौका यही होता है कि आप वहाँ से कुछ अच्छा सीख सके और अच्छी चीज़ें नहीं वहाँ पर प्रैक्टिकल कर सके, क्योंकि और टाइम अगर होटल्स में आप चले जाते हैं तो ये सब आपको करने को नहीं मिलता है, लेकिन आपके पास वहाँ पर अच्छा मौका ये होता है कि आप वहाँ पर प्रैक्टिकल तौर पर कुछ भी बना सकते हैं, नया क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप किचन की बात करेंगे तो किचन में भी दोस्तों सेम थोड़ा यही हो जाता है, लेकिन थोड़ा प्रोसेस थोड़ा उनका अलग हो जाता है, यानी कि जो बेकरी में था वहाँ पर बेकरी की ज़्यादा चीज़ें सिखाई देती है और किचन में आपको किचन के बारे में पूरा बताया जाएगा। अगर आप किचन के डिप्लोमा के लिए अप्लाई करते हैं दोस्तों, यानी कि आप इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए जाते हैं एक साल की जो अपना डिप्लोमा कोर्सेज होता है, तो आपको उसमें बताया जाएगा कि मेथड ऑफ कुकिंग क्या होता है, सैलेड क्या होता है, अपने ग्रेवी कितने होते हैं, जो भी मतलब आइटम है फूड आइटम से रिलेटेड आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, चाहे पास्ता कितने होते हैं, कौन से पास्ता किस कंट्री से बिलोंग करता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पूरी तरीके से नॉलेज दी जाएगी। आपको प्रॉपर वहाँ पर रेसिपीज समझाई जाती है कि हम रेसिपीज किस तरह से फॉलो अप करते हैं, क्या हमारे टूल्स होते हैं, कि कौन से हमारी नाइफ होती है या फिर सेफ नाइफ किसे बोलते हैं, ब्रेड नाइफ क्या होता है, पैलेट नाइफ क्या होता है, मतलब बेकरी से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड में कहीं भी वो तरीके से आपको तरीके से पूरी नॉलेज दी जाती है दोस्तों। और उसमें फिर आपको अगर किचन में जाते हैं तो इंडियन स्वीट्स के बारे में बताया जाता है, गुलाब जामुन कैसे बनते हैं, मालपुआ कैसे बनते हैं या फिर अपने मूंग दाल का हलवा कैसे बनता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको इंडियन फूड के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज दी जाती है कि आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, चाहे अपने किचन से चाहे किचन में आप किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हो दोस्तों। और बेकरी में आपको नॉलेज दी जाती है दोस्तों केक के बारे में, कन्फेक्शनरी के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में, ब्रेड्स के बारे में, तो वो सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कुछ डेजर्ट कहाँ से बिलोंग करते हैं या फिर ये ब्रेड कहाँ से बिलोंग करती है, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको बेसिक्स नॉलेज दी जाएगी। पास्ता कितने तरह के होते हैं, कौन सी डिश किस कंट्री से बिलोंग करती है, इन सब चीज़ों के बारे में वहाँ पे आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन से जो अपना फूड आइटम है या फिर कौन सी अपनी जो ब्रेड है किस कंट्री से बिलोंग करती है, क्योंकि आगे जाके आपको हर चीज़ के बारे में बताया जाता है, चाहे आपको होटल्स के बारे में हो, चाहे इंटरव्यू में आपसे कोई से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, जो भी अपने होटल्स के एचआर होते हैं तो वो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसीलिए आपको बेसिक्स नॉलेज तौर पर पूरे तरीके से तैयार किया जाता है इंस्टीट्यूट में, कि आपको हर चीज़ के बारे में, हर डिपार्टमेंट के बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज हो पाए और आप जल्दी ग्रो करने के लिए हो जाए। तो मेरा कहने का मतलब यही है दोस्तों, अपनी जो अपनी लर्निंग प्रोसेस है उसको सीखते रहिए, उसको बढ़ते रहिए, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे तभी आप बढ़ पाएंगे, अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप वहाँ पर अपना ग्रो करने के लिए रोक नहीं कर पाते। दोस्तों अगर सर्विस में जाएंगे तो सर्विस में आपको दिखाया जाएगा कि गेस्ट से कैसे बात करनी है, आपको खाना कैसे सर्व करना है, उस प्लेट्स में क्या क्या होना चाहिए, कौन सा स्पून कौन क्या होता है, आपको टी स्पून, मेजरिंग स्पून के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। आपको वहाँ पे बताया जाएगा कि हम सर्विस में कौन सी कटलरी यूज करते हैं, और फ्रंट ऑफिस में जाएंगे तो फ्रंट ऑफिस में आपको बताया जाएगा कि गेस्ट से कैसे बात करनी है, पूरी कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्या क्या आपसे उनसे पूछ सकते हैं जिससे उनका दिन अच्छा चल जाए, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट करते हैं, मतलब एक तरह से पूरे तरीके से गेस्ट का ध्यान रखना वो फ्रंट ऑफिस का काम हो जाता है दोस्तों। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब आप एडमिशन के लिए जाते हैं, यानी कि एचएम इंस्टीट्यूट में अगर आप डिप्लोमा के लिए जाते हैं तो करीबन आपकी 10th सर्टिफिकेट जरूर मांगते हैं, क्योंकि 10th के बेसिस पे आपको डिप्लोमा के लिए वहाँ पे एडमिशन मिलता है। अगर आप गवर्नमेंट में जाते हैं दोस्तों तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर उसमें से कट ऑफ लिस्ट निकलती है जो कि हर कॉलेज के लिए जैसे निकलती है, तो उसके बाद जैसे कि आपका नंबर आता है तो आपको उसमें एडमिशन मिल जाता है। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में आप भी
भी जाओगे दोस्तों, और वहाँ पे भी एक नॉर्मल सा आप जो मतलब वहाँ पे टेस्ट लेना होता है, आप उनसे कुछ सवाल पूछेंगे या फिर आप एक टेस्ट दोगे, उसके हिसाब से बेस पे आपको इंस्टीट्यूट में मिल जाता है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में भी दोस्तों कट ऑफ लिस्ट निकलती है, वहाँ पे चाहे दिल्ली मुंबई के जो बड़े बड़े होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी कट ऑफ लिस्ट निकलती है दोस्तों। ये सब सारी चीजें हैं जो आपको इंस्टीट्यूट में सीखने को मिलती है, चाहे आप प्रैक्टिकल में हो, थ्योरिकल में हो या फिर किसी भी चीज के लिए हो, आपको वहाँ पे सीखने को हर डिपार्टमेंट में मिलता है दोस्तों। दोस्तों अगर जब आप डिप्लोमा का कोर्स करते हैं तो आपको पूरे डिपार्टमेंट के बारे में और होटल्स के बारे में पूरी नॉलेज दी जाती है। आप अगर चाहे किचन में कर रहे हो, चाहे बेकरी में कर रहे हो, चाहे किसी चीज में भी कर रहे हो, आपको बेसिक्स नॉलेज हर डिपार्टमेंट के बारे में बताया जाएगा कि किचन का क्या काम होता है, बेकरी का क्या काम होता है, सर्विस, फ्रंट ऑफिस, इन सबका क्या काम होता है, इन सब के चीजों के बारे में आपको डिप्लोमा के बारे में बताया जाता है। ये जितने सारे मैंने आपको बताया है दोस्तों, जाए जाए किचन के बारे में, फ्रंट ऑफिस किसी के बारे में भी हो, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट और दिया जाता है जिसे बोलते हैं इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसे हम बोलते हैं रोजगार कौशल। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप ज्वाइन करते हैं या किसी भी होटल्स को किसी भी, तो आपके पास क्या क्या आपको गवर्नमेंट आपको देती है, आपको कौन से कानून का पालन करना, जो भी हमारे इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में होते हैं, सब्जेक्ट में होते हैं, उसके हिसाब से हमारे आपको कई तरह के कानून, और यानी कि जिसे हम बोलते हैं स्वरोजगार, तो उस चीज़ के बारे में हमें इम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी सीखने को मिलता है, जिसमें हमें कम्युनिकेशन मिलेगा इंग्लिश के, आपको इंग्लिश के बारे में पूरी वोकैबुलरी बताई जाती है, आपको इंग्लिश की पूरी नॉलेज दी जाती है, आपका इंटरव्यू कैसे होगा वो सब इंग्लिश से रिलेटेड यानी कि इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में आ जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके पेपर के बारे में दोस्तों। इसमें पेपर भी बहुत तरह के होते हैं, जो काफी स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर किस तरह के पेपर आते हैं। देखिए दोस्तों, आपके दो तरह के सेमेस्टर होंगे, आपको पहले सिक्स मंथ में क्लियर करना होता है, फिर वन साल का जो आपका फाइनल होता है। जो आपके सिक्स मंथ के पेपर होते हैं उसमें आपको सेम होता है, मतलब आपको जितना आपने पढ़ा होगा छः महीने में उससे आप पूरी रिलेटेड पूछेंगे दोस्तों, जैसे कि आपके स्किल्स के बारे में पूछेंगे, आपके इम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में पूछेंगे, थ्योरिकल नॉलेज का पेपर होगा, प्रैक्टिकल का नॉलेज का पेपर होगा, मतलब जितने आपके सब्जेक्ट होंगे उस सब के बारे में पेपर होते हैं। मोस्टली तीन होते हैं, आपका पहला इंग्लिश का पेपर होगा, दूसरा आपका थ्योरिकल का पेपर होगा, और तीसरा आपका प्रैक्टिकल का पेपर होगा। तो ये तीन पेपर होते हैं दोस्तों जो मेनली होते हैं, और आपको जो क्लियर करने के बाद आपके छः महीने के बाद आपको जो लास्ट ईयर में पूछा जाएगा, यानी कि लास्ट में भी आपको सेम तरीके से मतलब पेपर देना पड़ता है, और इसमें भी वही तीन चीजें जो पूछते हैं, चाहे इंग्लिश हो, प्रैक्टिकल हो और थ्योरिकल हो। देखिए दोस्तों, इसमें पूछने का मतलब यह है कि आपसे पेपर होगा, यानी कि प्रैक्टिकल में आपको वहां पे बना के दिखाना होगा कि आप अगर किसी भी, अगर चाहे बेकरी में तो आपसे बोल सकते हो केक बना के दिखाइए, हमें ब्रेड बना के दिखाइए, उसके बेस के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। किचन में होगा तो आपको सॉसेज बोल सकते हैं या फिर सैलेड, ग्रेवी, कुछ भी मतलब आइटम मिले बोल सकते हैं कि आप हमें ये चीज बना के दिखाइए, तो उस बेस के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। सर्विस में आपको सर्व करके फूड किस तरह से करना है, फ्रंट ऑफिस में किस तरह से आपको बताना है, तो उन सब चीजों के बारे में काफी तरीके वहां पे पेपर्स में पूछ लिए जाते हैं। वो दोस्तों जो पेपर्स होते हैं वो एमसीक्यू टाइप के होते हैं, यानी कि आपको उसमें ऐसे चार ऑप्शन होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको एक एक पे टिक मार्क करके अपना राइट आंसर टिक मार्क करके और उसे सबमिट कराना होता है। दोस्तों एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो ये हमारे पेपर्स होते हैं ये हमारे किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जाके होते हैं, उसी के बेस के हिसाब से आपको नंबर दिए जाते हैं। तो ये एक छोटी सी नॉलेज है जो मैंने आपको डिप्लोमा के बारे में बताया। डिग्री का भी सेम मेथड यही हो जाता है, बट डिग्री में 12th आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आपको उसमें 3 साल आपको पढ़ाया जाता है, डिग्री की पूरी नॉलेज दी जाती है, आपको होटल्स के बारे में पूरा बताया जाएगा कि कौन से सेक्टर में क्या क्या काम होता है, चाहे बेकरी हो, किचन हो, किसी भी डिपार्टमेंट हो, आपको होटल इंडस्ट्री मतलब यानी कि जब आप कोर्स करते हैं 3 साल का डिग्री का कोर्स, तो उसमें आपको पूरी नॉलेज दी जाती है एचएम के बारे में। तो अगर फिर उसके बाद आपको 6 महीने के लिए आईटी के लिए भेजा जाता है, भेजने का मतलब उनका ये है कि आपको 6 महीने के लिए जो आपकी ट्रेनिंग होगी जिसे बोलते हैं इंडस्ट्री ट्रेनिंग आईटी, तो उस हिसाब से आपको हर डिपार्टमेंट भेजा जाता है, चाहे वो 1 महीने का हो चाहे वो 1.5 महीने का हो, उस हिसाब से वो आपको भेजते हैं कि आपको हर डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे बेकरी, किचन, चाहे जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब के लिए आपको नॉलेज के लिए दी जाती है। दोस्तों आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसमें कई सारे तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं, चाहे VT, JT, IT। तो जैसे VT का मतलब ये होता है वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ये 2 महीने की होती है, 2 महीने में आपको एक ही डिपार्टमेंट भेजा जाता है, उसमें आपको सीखने को काफी कुछ मिलेगा, मतलब आपको 2 महीने के लिए होटल में आपको भेजा जाता है और आपको वहाँ पे बताया जाता है कि आप इस डिपार्टमेंट में, पर्टिकुलर आपको एक ही डिपार्टमेंट भेजा जाता है और वहाँ पे आपको पूरी नॉलेज दी जाती है। दूसरे नंबर पे आता है IT जाता है वही लोगों को दिया जाता है जो 3 साल की डिग्री का कोर्स करते हैं, क्योंकि वो एक एक महीने के लिए हर स्टूडेंट को हर डिपार्टमेंट भेजते हैं, जिससे कि उनकी हर जितने भी डिपार्टमेंट है उसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज आ जाए और उनको काफी मदद मिले अपने थ्योरिकल प्रैक्टिकल के लिए बारे में। तीसरी चीज नंबर पे आ जाते हैं वो होती है JT, जिसे बोलते हैं जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग में आपको भी सीधा एक ही पर्टिकुलर डिपार्टमेंट भेजा जाता है, ये 6 मंथ की होती है दोस्तों। 6 मंथ में आप काफी कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप इंडियन में जाते हो तो आपको इंडियन के बारे में बताया जाएगा, मतलब इंडियन में ही आपको चाइनीज, क्वांटी, थाई, जितने भी अपने डिपार्टमेंट है उन सबके बारे में आपको नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि उस टाइम आप सीख रहे होते हो, यानी कि आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होता है। चौथे नंबर पर उसे अप्रेंटिसशिप भी बोलते हैं दोस्तों। अप्रेंटिसशिप बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा अच्छा होता है, जो इन सब में ट्रेनियों में से अगर हम देखें तो अप्रेंटिसशिप बेस्ट होता है।
अप्रेंटिसशिप में ये होता है कि आप जब अपना कोर्स खत्म कर लेते हो, फिर आप जब एक साल वहाँ पे अपने होटल्स में काम करते हो, तो उसके बाद आपको वहाँ पे इंस्टीट्यूट में दोबारा जाके पेपर देना होता है। पेपर देने के बाद जैसे ही आप क्लियर कर लेते हैं, तो वो आपको एक अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट दे देते हैं कि इन्होंने अप्रेंटिसशिप की हुई है। दोस्तों बेकरी में अप्रेंटिसशिप एक साल का होता है, किचन की जो अप्रेंटिसशिप होती है वो 2 साल की होती है, क्योंकि किचन का जो सेक्शन होता है वो काफी चीजों में बटा हुआ रहता है, चाहे चाइनीज हो, इंडियन हो, थाई हो, कॉन्टी हो, इटालियन हो, किसी भी चीज के लिए हो, वो बहुत सारे सेक्शन में बटा रहता है, तो उसे हम बहुत जल्दी सीख नहीं सकते। तो काफी टाइम मिलता है जो अप्रेंटिसशिप में, आप 2 साल में उसके जो कोर्सेज होते हैं उसमें से आपको सिखाया जाता है, क्योंकि वो हर 3 महीने में आपको पर्टिकुलर एक ही डिपार्टमेंट भेजते हैं, तो आपको अच्छी खासी नॉलेज मिल जाती है, चाहे आपको चाइनीज में आपको 3 महीने के लिए भेजा जाएगा, इंडियन, कॉन्टी और इन सब चीजों के लिए जितने भी डिपार्टमेंट है आपको 3-3 महीने, 6-6 महीने के लिए हर डिपार्टमेंट भेजा जाएगा, कि आपको अच्छी तरीके से नॉलेज आ जाए फूड के बारे में, कि अपने जो फूड आइटम में क्या क्या बनता है, चाहे चाइनीज में हो, चाहे कॉन्टी में हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, तो आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। तो इसलिए अप्रेंटिसशिप 2 साल का होता है। बेकरी का दोस्तों 1 साल का अप्रेंटिसशिप होती है। अप्रेंटिसशिप में बेकरी में सेम है कि आपको पूरे डेजर्ट के बारे में और अपने बेकरी के जितने बेक आइटम है उन सब चीजों के बारे में आपको पूरे तरीके से क्लियर होता है, तो उस चीज का बेकरी में 1 साल का अप्रेंटिसशिप होता है और किचन के 2 साल का होता है। तो फिर उसके बाद आप अपने जॉब के लिए अपने अप्लाई कर सकते हैं, चाहे अपने ट्रायल दे सकते हैं या फिर किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, क्योंकि आपको उस सब चीज़ों के बारे में सिखाया जा चुका है, जो आपने इन होटल्स के बारे में सीखा है, चाहे अपने इंस्टीट्यूट के बारे में सीखा, अपने जो हर डिपार्टमेंट के बारे में सीखा है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, और फिर आप अपने जॉब के लिए तैयार होते हैं। तो दोस्तों यही सब नॉलेज है जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये डिप्लोमा के बारे में, चाहे डिग्री के बारे में, डिग्री के बारे में तो मैं आपको थोड़ा कम बताया, लेकिन आपको आपको जिसी चीज़ के लिए पूछना आप नीचे कमेंट में जरूर पूछ लेना मुझसे कि किस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज चाहिए, मैं पर्टिकुलर उसी के बारे में आप एक अच्छी सी आपको एक नॉलेज दी जाऊंगा। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप मुझे बताना कमेंट में कि आपको किस में किस टॉपिक में ज्यादा अच्छा लगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट नॉलेज में, जब तक के लिए जय हिंद।